नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनसीईआरटी के बियॉन्ड हम लोग जा ही चुके हैं वन बाय मेनी वन में. नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी की बात कर रहे हैं हम लोग. तो इसको समझते हैं कि ये क्या है. तो देखो हम लोग समझते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है. जैसे ए में कुछ इनपुट्स हैं, ए से बी में फंक्शन डिफाइन करना है. तो कितने तरह के, एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ये बेसिक है. अगर ये अच्छा नहीं है तो आपको ये टॉपिक बच्चों सॉरी टू से दैट बट समझ में नहीं आएगा, ठीक है. क्योंकि पीएनसी अगर मैं पढ़ाने लग गया तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और पीएनसी अभी मुझे पढ़ाना भी नहीं है. आप इलेवन ट्वेल्थ में पढ़े हो, सॉरी इलेवंथ में पढ़े हो. अब मेनी वन फंक्शंस सॉरी इंजेक्टिव फंक्शंस कितने हो सकते हैं. एक फंक्शन तो ये हो सकता है, एक तो ये हो गया, ठीक है. फंक्शन मतलब ए से बी में रिलेशन बैठाना है आपको शर्तों के साथ में, कंडीशंस के साथ. एक तो ये हो गया. दूसरा दूसरा फंक्शन ये हो गया. तीसरा फंक्शन ये हो गया. चौथा फंक्शन ये हो गया. कुल मिलाकर के कितने तरीकों से नंबर ऑफ, अब यहां पर कॉन्क्लूजन लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस मींस वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या है. मतलब है नंबर ऑफ वेज ऑफ रिलेटिंग एलिमेंट्स ऑफ ए विद एलिमेंट्स ऑफ बी इन वन वन. या ऐसा समझ दो कि इन चार लोगों को चार कुर्सियों पर या चार चेयर्स पर कितने तरीके से बैठा सकते हैं. तो चार, देखो अगर एफ वन बना हुआ तो आप समझ लो कि ये ए बी सी डी ये चार पर्सन है या चेयर्स हैं. आप ऐसा समझ लो वन टू थ्री फोर, ये फोर चेयर्स पर चार पर्सन को बैठाने की तरीके. एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है. समझ में आ रहा है ना, क्या इन चार चेयर्स पर चार लोगों को बैठाने का तरीका फोर फैक्टर. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग फोर पर्सन या नंबर ऑफ एलिमेंट इज पर्सन ऑन द चेयर्स मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. तो ये आपने देखा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ वेज ऑफ रिलेटिंग एलिमेंट्स ऑफ ए विद द एलिमेंट्स ऑफ बी इन वन वन फैशन इन वन वन वे. ओके, तो यानी इसमें पीएनसी का कॉन्सेप्ट काम आता है. अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं फिर कॉन्सेप्ट देखते हैं. मान लीजिए यहां पर ए टू बी में मुझे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन गिनने हैं. इधर मैंने तीन एलिमेंट्स रखे और इधर मैंने चार एलिमेंट्स रखे. अब कुर्सियां हैं चार, लोग हैं तीन. तो बच्चों सबसे पहले तो ये फैसला करना पड़ेगा कि वो जो चार कुर्सियां हैं, इमेजिनेशन ऑन होना चाहिए. चेयर वन चेयर टू चेयर थ्री चेयर फोर, आदमी है तीन, तो ये तीन तो तीन ही चेयर्स पर बैठेंगे ना. ऐसा तो नहीं कि दो चेयर को कंबाइन करके फिर उसमें एक बैठे ऊपर से. तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि इन चार में से किसी भी फंक्शन में, वो एफ वन हो कि एफ टू हो, एफ वन हो कि एफ टू हो, फैसला तो करना ही पड़ेगा कि ये जो चार चेयर्स थी ए बी सी डी में कैसे बिठाया जाए. वन टू थ्री बैठा दो, ये एफ वन हो गया. एफ वन क्या हो गया, वन कोमा ए टू कोमा बी थ्री कोमा सी, ये एफ वन हो गया. एफ वन में पूरा लिखो तो क्या, वन कोमा ए टू कोमा बी थ्री कोमा सी, एक फंक्शन बन गया. एफ टू मतलब बैठाने के कुल तरीके. फिर यहां वन थ्री टू को बैठाया जा सकता है, वन टू थ्री को बैठाया जा सकता है. तो यानी कि हमें चाहिए तो तीन चेयर से ना, तो इनमें से तीन छाटा, तीन चेयर्स को सिलेक्ट किया और तीन चेयर्स पर तीन लोगों को बैठाने के तरीके थ्री फैक्टर, ठीक है. मान लो यहां पर चार लोग हैं और यहां पर छह चेयर्स हैं, एक दो तीन चार पांच छह. अब आप समझ गए होंगे, अगर आपका पीएनसी अच्छा है अक्सर छह चेयर्स पर चार लोगों को बैठाने के तरीके सिक्स सी फोर
सिक्स चेयर्स और चार लोगों को बैठाने के तरीके, तो सिक्स चेयर्स में से फोर चेयर्स को फाइनल करने के तरीके इंटू फोर चेयर्स पर फोर लोगों को बैठाने के तरीके। आया समझ में? ठीक है। कहने का मतलब, अब एक और केस देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सर ये सिक्स चेयर्स है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हम इसको उल्टा भी सोच सकते हैं, ऐसे ना सोच करके कि पहले आदमी को बैठाने के तरीके छह, दूसरे को पांच ही बचे हैं क्योंकि जिस पर वन बैठ गया उस पर दो नहीं बैठेगा, वन वन रखना है ना, फिर चार फिर तीन, ये क्या है, ये वही है 6c4 × 4 factorial। कैसे? 6c4 मतलब 6, c4 मतलब 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये कटा, ये क्या है, इसको अगर आप देखोगे तो 6 × 5 × 4 × 3 2 × 1 कट जाएगा। आया सेम? एक और केस देखो, फिर हम इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। मान लीजिए यहां पर 4 एलिमेंट्स और यहां पर सिर्फ 3 एलिमेंट्स, दुनिया का कोई भी आदमी इसमें वन वन फंक्शंस डिफाइन कर ही नहीं सकता। क्यों? इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए। तो यानी कि बच्चों शर्त यह है कि हम वन वन फंक्शंस ए टू बी में, वन वन फंक्शन ए टू बी में तभी बना सकते हैं जब बी में कम से कम इसके बराबर के एलिमेंट्स अवेलेबल हो। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू, इसको बोल दो एन या पी बोल दो, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्यू है, एंड क्यू जो है वो एटलीस्ट, क्यू जो है वो एटलीस्ट पी के बराबर, देन ऐसा होना चाहिए, देन टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, इंजेक्टिव फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी विल बी कितना हो जाएगा, पी एलिमेंट्स इधर हैं, फील करो क्यू एलिमेंट्स इधर हैं, इधर थ्री एलिमेंट्स, इधर ज्यादा एलिमेंट्स, पांच में से तीन कुर्सियां छाटी, तो इधर पी है इधर क्यू है, तो क्यू में से कितनी कुर्सियां छाटनी है, पी, और फिर पी कुर्सियों पर पी में लोगों को बैठाने का तरीका, दिस इज द फॉर्मूला क्यू सी पी इंटू पी फैक्टोरियल। वही बच्चे समझे जो पीएनसी को थोड़ा बहुत भी जान रहे हैं, कॉन्सेप्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस देखते हैं ए टू बी में, तो इसको समझ लेते हैं कि पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। मान लीजिए यहां पर है ए में 1 2 3, बी में है 2 3, ए बी सी डी कर लेता हूं, ए बी सी डी, ठीक है। ऑन टू फंक्शन, सर 1 1 मेरे मन से कोई लेना देना नहीं है, सर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ऑन टू कैसे होगा, ये पूरे के पूरे कवर हो जाने चाहिए ना अभी, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इन तीन लोगों को इन तीन चेयर्स पर बैठाने के तरीके, तो यानी क्या हो गया, 3 factorial। मान लीजिए सिर्फ दो होता इधर में, ऑन टू रखना है, एक तरीका तो ये था, यानी ए और बी, तो फंक्शन कैसे बना, एफ वन तो बना 1 a 2 b 3 b, एक और फंक्शन बना सकता हूं। एफ टू में क्या करूंगा, 1 a 2 a 3 b, और फंक्शन भी बना सकता हूं, एक और फंक्शन बना सकता हूं 1 a 2 b 3 a, तो ऐसे कितने फंक्शंस में बना सकता हूं, ये प्रॉब्लम हम लोगों को करना है। इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त यह है कि इधर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी इधर चेयर्स हैं, अब की बार बच्चों पहले तो वन वन मेरी वन में क्या होता था, चेयर्स ज्यादा हो सकती थी, अब की बार चेयर्स थोड़ी, तो यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि चेयर्स जो है इनसे कम या इनके बराबर एटलीस्ट होना चाहिए। तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्यू है, इधर पी है इधर क्यू है, तो क्यू आपका होना चाहिए लेसर देन और इक्वल टू पी, चेयर्स जो है
वो कम हो, क्योंकि ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, अगर ये वन वन भी बना देगा तो भी पूरा नहीं खपा पाएगा, पूरा नहीं खपा पाएगा मतलब कंज्यूम नहीं कर पाएगा, यानी ये डी तो एक तो बचना ही बचना है क्योंकि इधर तीन ही है। अब एक तो दो से हो नहीं सकता, फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है। तो अब ऑन टू फंक्शन कैसे, या टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे गिनेंगे, ठीक है एक तरीका है। आप एक काम कर सकते हो यहां पर, मतलब एक छोटे से क्वेश्चन को फील करना, मान लीजिए 1 2 3 4 है, यहां पर है ए बी सी, इधर जो एलिमेंट्स रहेंगे इसके बराबर या कम ही रहने चाहिए। अब कई तरीके से मैं फंक्शन बना सकता हूं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे बहुत सारे। तो कैसे डिसाइड करें, हो क्या रहा है बच्चों, जो लोग मैं पहले ही बोल चुका था ये वही समझ पाएगा जिसको पीएमसी आता है, जिसको पीएमसी नहीं आता उसको मैं तो नहीं समझा सकता, उसको फिर कहीं और वीडियो देखना पड़ेगा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन एंड आई विल सजेस्ट कि उसको समझ में भी नहीं आएगा। तो अगर आपको पीएमसी आपका कच्चा है, अच्छा नहीं है, तो लिव इट, ठीक है, बाद में जब पीएमसी पढ़ लो तब इसको आप अच्छे से समझ लेना। ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेन में पूछे जाते हैं और एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर झगड़ा ये है कि इन चार कंप्यूटर्स को, ध्यान से समझना, इन चार कंप्यूटर्स को तीन लोगों में बांटने के तरीके, यही तो हो रहा है, चार कंप्यूटर्स को तीन लोगों में, इसको एक और दो पकड़ा दो, इसको तीन और चार पकड़ा दो, इसको एक, इसको दो, तीन और चार, यानी इन चार कंप्यूटर्स को इन तीन लोगों में बांटना है। तो इधर तो अब लोग हो गए, इधर कंप्यूटर हो गया, तो इसका तरीका है, यानी ये हो गया कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ डिफरेंट ऑन टू फंक्शंस, जितने भी होंगे सब डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ये कंटिन्यू है, देन नंबर ऑफ डिफरेंट ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ, या नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट क्यू कंप्यूटर्स, इधर क्यू है ना, सॉरी कंप्यूटर्स इधर है, पर्सन इधर है, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट पी कंप्यूटर्स या पी चॉकलेट्स अमंग कंप्यूटर्स, इधर क्यू, अमंग क्यू पर्सन्स। अब जो पीएनसी पढ़े हैं ना उनको समझ में आ जाएगा, सर इसमें डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट वाला कॉन्सेप्ट लगता है, थोड़ा सा सेंसिटिव है टॉपिक, मैंने आपको पहले ही बोला है, वही समझे जिसको पीएमसी समझ में आता है। तो क्या करें, अब यहां पर इसको कैसे करते हैं, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या ऐसा सोच लो ये कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया होगा, पोस्ट करके लिख लेना, जब भी ऑन टू फंक्शन का नंबर पूछा जाए इस तरीके से सोचना है, तो मैं बोलूं क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, वेयर ए है 1 2 3 4, बी है 1 2 3, या एबीसी कर लो, ठीक है, तो यानी सिचुएशन क्या हो गई 1 2 3 4 एबीसी, तीन लोग हैं, चार कंप्यूटर हैं। तो आप खुद एक बार पोज करके सोचना कि अगर फोर कंप्यूटर्स हैं और तीन लोग हैं, तीन पर्सन्स, तो सबसे पहले डिवाइड करता है, कैसे सर, फोर कंप्यूटर्स को तीन लोगों में 1 1 2 करके भी बांटा जा सकता है, प्लस 1 1 3, अब बस एक ही तरीका है, 1 1 2 करके ही बांट सकते हैं। तो जब ऐसे डिवीजन होता है तो फोर को 1 1 और 2, फिर बोल रहा हूं पीएमसी जिनका अच्छा है वही समझे, तो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 4 into 3 groups of 1 1 2, अभी तो ये फैसला कर रहे हैं
कि ये जो फोर कंप्यूटर्स हैं 1 2 3 4 इनको तीन लोगों में बांटना है, तो कैसे बांटें? ये जो फोर कंप्यूटर्स हैं यहां पर हम ए को यानी ए बी सी यानी यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, 1 2 कर सकता हूं, 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3 इसको गिनना सिखा रहा हूं ऐसा। फिर जब ऐसे बंडलिंग आप कर लोगे तो बंडलिंग फिर तीन बंडल को तीन लोगों में बांटना है, 2 3 फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। तो 1 1 2 में, तो 2 में कौन कौन जाएगा, अभी जो डिस्कशन किया, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 4 डिवाइडिंग 4 अमंग या इंटू थ्री ग्रुप्स ऑफ 1 1 2 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 1 के रिपीटेशन के कारण यहां एक और 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट, अभी धीरे धीरे समझ जाओगे और जिनको रटना है ना उनको रटवा भी दूंगा मैं। तो ये तो क्या हुआ, बंडलिंग करने का तरीका कि सिर्फ तीन बंडल बनाने हैं। फिर तीन बंडल बन गए यानी ये डिसाइड हो गया कि इस एक में कौन सा एक रखा, इसमें कौन सा एक कंप्यूटर रखा, इसमें कौन से दो रखे। फिर तीन बंडल अगर हमारे सामने है तो अब ये डिसाइड हो गया कि एक को फिर अब तीन बंडल और तीन लोग, तो तीन फैक्टोरियल तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि हमारे सामने तीन बंडल आ गए ना, उधर सामने ए बी सी है, तो तीन बंडल को तीन लोगों को देने के तरीके 3 फैक्टोरियल, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 3 बंडल्स 2 3 पर्संस। अब आसान हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विल बी, पहले डिवाइड करो इंटू तीन बंडल बनाने के तरीके, तीन बंडल को तीन लोगों में बांटने के तरीके। अगला क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे। अगला इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूं, यहां पर कर देता हूं 5 और यहां पर यही रहने देता हूं। अब क्या हो गया, ए टू बी में कितने ऑन टू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, या तो आप गिन लो, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो डिवाइड वाली प्लानिंग करेंगे, सर कंप्यूटर है 5 लोग हैं 3, तो पहले तो ये फैसला किया जाए कि 5 को 3 बंडल में तोड़ना है ताकि 3 बंडल बनने के बाद में तीनों को बांटा जा सके। पीएमसी में यही तो होता था बच्चों, जब हम लोग गिनने बैठते थे तो गिनने के तरीके हमें सिखाया जाता था स्मार्टली कि कैसे गिनना है। तो 5 को मैं 2 2 1 में भी कर सकता हूं, 5 को मैं 1 1 3 में भी कर सकता हूं, और कोई बंडलिंग का ऑप्शन नहीं है, मैक्सिमम 3 रख सकता हूं, 3 1 1 कर सकता हूं, 2 2 1 कर सकता हूं, 2 3 का कोई ऑप्शन नहीं है, मैक्सिमम 4 का भी नहीं है। ऐसे बंडलिंग 5 ऑब्जेक्ट्स को 3 बंडल बनाने के तरीके 3 1 1 में क्या होगा, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 1 1 दो बार आया तो 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, जितने जितने के बंडल बनाने 1 फैक्टोरियल, ये 2 2 ट्वाइस रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल, ये डिवाइड। और टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हो जाएगा ये टोटल 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 1 फैक्टोरियल मतलब 1। ये तो डिवाइड करने का तरीका, नहीं कितने तरीके से मैं 3 बंडल बना सकता हूं, 3 बंडल बना करके 3 लोगों में बांटने का तरीका, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना और सीखो। मान लो यहां पर मैं 6 कर दूं, ठीक है ओके, और यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ, और यहां पर मैं कर देता हूं ए और बी, अब कितने ऑन टू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। तो अब क्या हो गया डिवाइड, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस मींस नंबर ऑफ डिवाइडिंग 6 इंटू 2 बंडल्स इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 2 बंडल्स अमंग 2 persons। अब आसान हो गया, सीख ही गए, तो डिवाइडिंग में होती नेतागिरी पूरा। तो बच्चों 6 का डिवीजन 5 1 से भी किया जा सकता है, 6 का 4 2 से किया जा सकता है, 6 का 3 3 से किया जा सकता है, बस 2 4 तो रिपीट हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कोई रिपीटेशन नहीं है, 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तीनों दोनों बंडल में नंबर सेम है तो 2 फैक्टोरियल। ये तो इसका हुआ नंबर ऑफ वेज
ऑफ डिवाइडिंग 6 इंटू 2 बंडल्स। तो दो बंडल बनाने के तरीके, उसके बाद में दो बंडल को दो लोगों में बांटने के तरीके, इसको आप थोड़ा रट लेना आ जाएगा समझ में। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस ये रहा आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑन टू फंक्शंस। अब आगे बात करते हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले हमने इंजेक्टिव फंक्शंस का नंबर जानना चाहा था, अभी हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं, उसके बाद में ऑन टू फंक्शंस का नंबर जानना चाहा था कि कितने डिफरेंट ऑन टू फंक्शंस हम लोग बना सकते हैं, और अभी हम जानना चाह रहे हैं कि ए टू बी में टोटल कितने फंक्शंस बना सकते हैं। अब हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मान लीजिए ए में 1, 2, 3 है और बी में 2, 4 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, या यहां कर लो एबीसी, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होगा सर, अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में 1 को रिलेट कराने के तरीके 3, 1 किसी न किसी तो रिलेट होगा, तो देखो 1 ए से भी हो सकता है, 1 बी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है, फिर 2 ए से भी हो सकता है, तो 2 जो है वो ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है, टोटल नंबर के फंक्शन 3 ए से भी हो सकता है, एक फंक्शन ये भी होगा, एक फंक्शन ये भी होगा, यानी कुल मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मतलब 1 को रिलेट कराने के तरीके, 2 को रिलेट कराने के तरीके, 3 को रिलेट कराने के तरीके। तो कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्यू, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, फील करो, इधर P है, इधर Q है, इधर Q, इधर P, इसके पहले एलिमेंट को रिलेट कराने के तरीके Q, दूसरे को Q, तीसरे को Q, कितनी बार P टाइम्स, तो मतलब Q टू दी पावर P, क्वाइट सिंपल। अगर इधर 1, 2, 3, 4, 5 है और इधर 2, 3 या A, B, C, D है, तो 1 को रिलेट कराने के तरीके 4, इसको भी 4, इसको भी 4, इसको भी 4, यानी 4 टू दी पावर टोटल फंक्शंस। तो यहां देखा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ इन टू फंक्शंस फ्रॉम डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में डिफाइन हुआ है तो कुछ नहीं करना है, ए टू बी में जो भी फंक्शन डिफाइन होगा उसमें जो भी फंक्शन होगा वो या तो ऑन टू होगा या इन टू होगा। तो क्या फॉर्मूला हो गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ ऑल दी डिफरेंट ऑन टू फंक्शंस, सिंपल ये फॉर्मूला हो गया। पूरा ऑपरेशन करना है हमें नंबर्स का, फिर उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ मेनी वन, या बोल दो नॉन इंजेक्टिव मेनी वन फंक्शंस, वही फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, जो कि हम निकालना सीख चुके हैं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस डिफरेंट जितने भी होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वन वन फंक्शंस। अब इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि नंबर वाली जो प्रॉब्लम है खत्म हो जाए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट इन टू फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए 1, 2, 3, 4
to be ABC. ठीक है, फील करते हैं इसको. A टू B में फंक्शन डिफाइन करना है. A में है 1 2 3 4, B में है ABC. तो बच्चों रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थोड़ी देर वीडियो पॉज करके फील करो क्या पूछा है. ए सी बी में टोटल फंक्शंस, तो नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस, टोटल डिफरेंट फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ डिफरेंट ऑन टू फंक्शंस. सिंपल. तो डिफरेंट टोटल डिफरेंट फंक्शंस वन को रिलेट कराने के तरीके 3 3 3 3 to the power 4 माइनस ऑन टू फंक्शंस. सर आदमी है 3, कंप्यूटर है 4, तो 3 बंडल बनाने का एक ही तरीका है 1 1 2, और कोई तरीका नहीं है. 4 factorial by 1 factorial 1 factorial 2 factorial, 1 1 के रिपीटेशन के कारण में 2 factorial, ये बंडलिंग के तरीके हैं. 3 बंडल 3 लोगों में बांटना है 3 factorial. 3 to the power 4 81 माइनस 24 into 6 3 into 2 1 into 1 2 into 2 4 6 81 माइनस 36, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 3 गया 45. तो 45 तो इंटू होंगे, टोटल फंक्शन हुए 81 जो ए से बी में डिफाइन होंगे, उनमें 36 होंगे क्या ऑन टू और 45 होंगे इंटू. ठीक है, यहीं पर अगर मैं मॉडिफाई कर देता कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मेनी वन फंक्शंस डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, तो मेनी वन की बात हो रही है. ठीक है, तो मेनी वन में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ ऑल द डिफरेंट वन वन फंक्शंस, डिफरेंट वन वन फंक्शंस. तो टोटल फंक्शंस 3 to the power 4 माइनस डिफरेंट वन वन. सर वन वन तो एक भी नहीं कर सकता, अटक जाएगा ना. देखो वन ए सी हो गया, तो यानी कि सर ये तो एक एलिमेंट तो बच जाएगा, वन वन फैशन में रिलेट कर रहा है. जब हमने नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस को पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि इधर एलिमेंट्स इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो, और ऑन टू में इधर एलिमेंट्स इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो तो जीरो. तो सारे 81 फंक्शंस जो टोटल डिफाइन होंगे ए टू बी में, फील करो ए से बी में अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे 81. हमने जाना 36 ऑन टू होंगे और 45 इनटू होंगे, और अभी क्या देखा 0 1 1 होगा तो बाकी सारे 81 मेनी वन फंक्शंस होंगे. यानी कि ए से बी में जितने भी फंक्शंस बनेंगे सबके सब मेनी वन बनेंगे. मेनी वन और 36 मेनी 36 हो जाएंगे मेनी वन ऑन टू और 45 हो जाएंगे मेनी वन इनटू, यानी इसमें वन वन फंक्शन बना ही नहीं सकते. और अगर मान लीजिए यहां पर मैं डी कर देता और यही क्वेश्चन करता मेनी वन, तो यहां क्या हो जाता नंबर ऑफ डिफरेंट वन वन फंक्शंस, तो 4 चेयर्स 4 लोग बैठाने के तरीके 4 factorial, तो 81 माइनस 24 जो भी आता, 11 में से 7 गया 4, 7 माइनस 2 57. आगे समझ में. तो ये बच्चों हमारा टॉपिक था कि नंबर ऑफ फंक्शंस, तो जब भी क्वेश्चन है तब आप कैसे डील करोगे, इस तरीके से डील करोगे. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ये लेक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट था मैं भी मानता हूं, लेकिन आपको आ जाएगा समझ में. अच्छे बच्चों के लिए था, सभी बच्चों के लिए नहीं था. एनसीईआरटी में नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा. हाँ, बोर्ड में वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जा सकता है कि छोटे मोटे एग्जाम्पल दे दिए, 1 2 3 दे दिए, एबीसी दे दिए, ताकि आप वहां गिन करके बता सके. ओके, तो फाइनली बाय बाय एवरीवन.